वालेकुम भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? पूरे एक बहुत ज़रूरी वजह है जिसके लिए शॉपिंग ना करने के लिए आपको ये वीडियो मैसेज भेज रहा हूँ। बात यह है कि फी अलहाल अभी कल का आपको हाल बता रहा हूँ कि हैदराबाद में कोरोना फट चुका है। हॉस्पिटलों का ये हाल है कि जो कैजुअलिटी के बेड्स है, पेशेंट आके उसमें सांस की तकलीफ से पड़ गए हैं, ऑक्सीजन लगा के हटा नहीं सक रहे, हटा रहे तो सांस नहीं ले सक रहे, और बाहर व्हील चेयरों में पेशेंट ना सांस की कमी से पड़ जा रहे नीचे। उसके बाद गाड़ियों में पेशेंट रुके हुए हैं, और थोड़े दिनों में जैसा जैसा ये गाड़ियां बढ़ते जाएंगे, गाड़ियां रोडों तक आ जाएंगी, शायद जब कुछ हुकूमत करे, लेकिन अपने को उसके लिए ठहरना नहीं, अपने को अपना एहतियात करना। एहतियात क्या करना है? घर में जो भी गैर लोग आ रहे उनको बंद कर दीजिए, ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 2 हफ्ते, बस ये 2 हफ्ते में पूरा एक्सप्लोड हो जाने वाला है। 2 हफ्ते घर में आपके जो भी गैर आ रहे, चाहे वो नौकरानी रहो, सिर्फ बर्तन धोती हो ने, सिर्फ सालन बनाती हो, नक्को साथ उठो, बोलो तशरीफ उठाओ, बर्तना धो, सालन बनाओ, कुछ नहीं होता, खारा खा लेंगे, फिक्का खा लेंगे, तकलीफ उठा लेंगे। 2 हफ्ते साथ, इतना बड़ा ये कि कम्युनिटी लेवल पे आ चुका है स्प्रेड, यानी हर एक को जैसा सर्दी जुकाम लगती वैसा फैल रहा है, इसको नहीं रोक सक रहे, रुकना नहीं वाला है। इवेंचुअली 80-90% को जब हो जाएंगे, जब खुद ब खुद कंट्रोल होगा, वो 80-90 में अपन नहीं आ, घर में ज़यीफ लोग हैं, अपने घर में बूढ़े, सबकी सेहत, बच्चे हैं, सबका ख्याल रख लेते हुए बिल्कुल एहतियात, मास्क लगा के, हाथ में जेब में सैनिटाइजर रख ले के, किसी से हाथ मिलाने की जरूरत नहीं, कहीं भी गए तो ये एहतियात कर लेना कि अपना हाथ कहाँ लग रहा, मुँह को हाथ नहीं लगाना, जितने बार हो सके वजू के साथ मुँह को साबुन से अच्छा लगाना, हाथ को लगाना, ये करना है एहतियात बस। जो लोग ज़रा भी शको शुबा दूर, दावतों से दूर, महतिकों से दूर, समझे, ग्रुप कहीं भी जहाँ पे भी कंस्ट्रेंट्स है, यानी बंद कमरा है, उधर 10-20 मिनट से बैठने की कोशिश मत करिए, किसी वजह से भी बाहर निकल जाए, समझे आप, मास्क पहनने के बावजूद, ये सब चीज़ों का एहतियात करिए, इंशाल्लाह ना खानदान महफूज रहेगा, समझे ना, आले अब्बास के खानदान।